कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह देश और दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अब लोगों ने महाकाल की शरण ली है। इसी कड़ी में महाकालेश्वर मंदिर में अतिरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत की गई। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से फैली महामारी के समूल नाश के लिए उज्जैन जिला प्रशासन और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति भगवान महाकाल की शरण में आ गए हैं और महाकाल मंदिर में अतिरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कर दी गई है। शुक्रवार को महाकाल मंदिर के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने ब्राह्मणों की अगुवाई में गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन किया और अतिरुद्ध पाठ का श्री गणेश कराया। यह अतिरुद्ध पाठ 11 दिन तक चलेगा। भगवान, भारत में कभी भी कोई आपत्ति आती है, उज्जैन में आपत्ति आती है, मध्य प्रदेश में आपत्ति आती है, तो हम भगवान महाकालेश्वर की विनती करते हैं। उसी तारतम्य में जो अभी वर्तमान में बीमारी फैल रही है, विश्वव्यापी बीमारी है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए भगवान महाकालेश्वर का हम लोग मना रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर समिति द्वारा यह आयोजन हुआ है, इसमें पुरोहित और पुजारी सब मिलके ये कार्य कर रहे हैं। ये इसको बोलते हैं महारुद्र अभिषेक। अभिषेक और रुद्राभिषेक सब इसी में है। रुद्राभिषेक, महारुद्र अभिषेक सब भगवान महाकाल से विनती कर रहे हैं कि भगवान महाकालेश्वर सबका दुख निवारण हो, कोरोना बीमारी समाप्त हो, सबकी रक्षा करें। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद से सब कार्य संपन्न होगा। दिन ये जो अनुष्ठान है 11 दिवसीय अनुष्ठान है, सुबह प्रातःकाल 8 बजे चालू होगा, 1 बजे तक चलेगा। उसमें भगवान महाकालेश्वर से विनती करने का ही प्रोग्राम है। आज जैसा कि ज्ञात है कि पूरे विश्व में वापस से कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित जो हो रहा है वो हो रहा है भारत देश। तो भारत देश में जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है, उस कोरोना अपने पाँव पसार रहा है, उससे बहुत परिवार उजड़ रहे हैं, बहुत परिवार के सदस्य ख़त्म हो रहे हैं। उसी के चलते हुए मंदिर में आज से अतिरुद्र का अनुष्ठान चालू करा गया है, जिसमें कम से कम 75 ब्राह्मण बेटे पाठ करेंगे जो 11 दिन तक चलेगा। अतिरुद्र महाअभिषेक, महामृत्युंजय अभिषेक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की ओर से आयोजित हो रहा है। ये अनुष्ठान जो है कोरोना के समूल उन्मूलन के लिए और आमजन के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग ये आयोजित कर रहे हैं मंदिर की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से। और इसमें जो है 65 से लेकर 70 ब्राह्मण एक टाइम में अनुष्ठान करेंगे। इस दौरान कुल 108 ब्राह्मण अलग अलग शिफ्ट में महाकाल मंदिर में रोजाना 1,25,000 महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। यानी 1,25,000 के महामृत्युंजय मंत्र पाठ से एक महारुद्र का पाठ रोज होगा और 11 दिन में 11 महारुद्र पाठ मिलकर अतिरुद्ध पाठ के रूप में संपन्न होंगे। मृदुभाषी के लिए उज्जैन से अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।